ये है एक नॉर्मल जंगल टेंपल और ये भी एक है। दिखने में नॉर्मल जंगल टेंपल लग रहा होगा बट ये है लॉयल एसएमपी का सबसे डेडलीस्ट ट्रैप जो कि किसी भी प्लेयर को वन शॉट किल कर सकता है, भले ही वो नेदरराइट आर्मर में ही क्यों ना हो, उसके पास टोटम ही क्यों ना हो। सो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, जानने के लिए तुम्हें वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। और अगर गाइस तुम लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, हम लोग 20K के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी के लिए मैं अपने बेस पर हूँ, लेकिन यार बुल्स गैंग जो है वो पूरा टूट चुकी है यार। कहां टेडी भाई ने सोचा था हम इस गैंग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएंगे, लेकिन यार उसने तो बिट रही हो गया। तो गाइस मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखो जैसा कि तुमने देखा होगा कि हमारे बुल्स गैंग और चैट गैंग की फाइट हुई थी, जिसके अंदर जो है हमारे बुल्स गैंग के एक इंपॉर्टेंट मेंबर सेनपाई स्पाइडर ने जो हमें बिट्रे कर दिया था, जिससे कि टेडी भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और सेनपाई नहीं, हमारे टीम के ही मेंबर युग को जो है वो बैन कर दिया था। और अभी हमारे टीम में बस दो बंदे बचे हैं, मैं और टेडी भाई, और टेडी भाई अभी इनएक्टिव चल रहे हैं, अभी बचा हूं मैं। तो यार मुझे ना ये टीम को अभी रिवाइव करना होगा, उसके लिए यार मुझे युग को रिवाइव करना होगा बेसिकली। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि युग को रिवाइव करने के लिए मुझे चाहिए क्या। एलएससी रेसिपी करके तुम देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा रिवाइव बुक का रेसिपी, जिसके लिए मुझे चाहिए नेदरराइट इंगट जो कि मेरे पास होगा, ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग की है, और हर्ट मेरे पास है इनफ, तो मैं दे दूंगा युग को रिवाइव करने के लिए। और बचा नेदर स्टार। अब देखो यार नेदर स्टार जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसको मारने के लिए हमें स्केलेटन हेड चाहिए, फिर वेदर को मारना होगा। लेकिन यार मैं बहुत ज्यादा लकी हूं, क्योंकि यार मेरा एक शॉप है और शॉप में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो मैं उनसे डील थोड़ी बहुत करता हूं। सो मैंने सोचा था कि अगर कोई शॉप पे आएगा तो मैं उससे नेदर स्टार का डील करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यार तुम यकीन नहीं करोगे मेरे साथ क्या हुआ। सो तुम ये वाला क्लिप देखो जहां पे डीएक्स टीम ने मेरे साथ नेदर स्टार की ट्रेड की है। अरे हेलो डीएक्स टीम, क्या हाल चाल? बड़े दिनों बाद आए हो यार। अरे 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 मेरे को थोड़ा काम था आपसे। अरे बताओ कैसी हेल्प चाहिए? अरे मेरे को ना थोड़े विलेजर्स चाहिए थे, दे सकता है ना तुम्हारा शॉप पोशन का है, बट तो अभी तुम ही हो ऑनलाइन और मेरे को थोड़े विलेजर्स चाहिए। ओके ओके डन है, कितने चाहिए? मेरे को 3 विलेजर्स चाहिए। ओके 3 विलेजर, अच्छा क्या मिलेगा वैसे उसके बदले? देखो मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास, बट इन नेदर स्टार है, हार्ट क्राफ्ट कर सकते हो चाहे तो। ओह नेदर स्टार, ठीक है ठीक है, चलो तो डील डन करते हैं। ठीक है मेरे को भी नेदर स्टार चाहिए था, डाल दो इसके अंदर, फेंक दो, मैं ले लेता हूँ और आप बाहर आओ, मैं आपको देता हूँ विलेजर। ठीक है ऑलराइट, दे दिया, देखो मिल गया। अरे यस यस, थैंक यू, चलो 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 चलो। 5 मिनट्स लेटर एक्सट्रीम, ओके ये रहा ये रहा, हेलो डी एक्सट्रीम, तुम्हारे विलेजर में ले आया, एक बार देखो तो। यस ये रहा। अरे नहीं सर ये तो एक है भाई। अरे ये पीछे है, ला रहा हूँ, पीछे रखा हुआ है, रुको एक एक करके ला रहा हूँ ना, अकेला हूँ। ऐसे कर क्या रहे हो ये विलेजर्स का, ये तो बताओ। अरे वो मेरे को थोड़ा एक क्या बोलते हैं विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना था, इसलिए तो मैं लेके जाऊंगा अभी नेदर पोर्टल से इधर सामने। ओह ग्राइंडिंग चल रही है सर्वर में, क्या बात। सो गाइस अभी के लिए तो मैं अपने सीक्रेट बेस के अंदर और मुझे नेदर स्टार भी मिल चुका है, तो चलो फटाफट से बनाते हैं अपने लिए रिवाइव बुक, ताकि मैं युग को रिवाइव कर सकूं। और गाइस मुझे जो ट्रैप बनाना है उसमें युग की हेल्प भी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी युग को रिवाइव करना होगा। अ फ्यू इंचेस लेटर, तो गाइस फाइनली अपना रिवाइव बुक जो वो तैयार हो चुका है, अब अपने दोस्त युग को मैं रिवाइव कर सकता हूं। तो चलो फटाफट से चलते हैं रिवाइव करने। तो यस यहां पे मुझे एक एनविल है, यहां पे एनविल से मुझे बस उसका नाम रीनेम करना है। तो अभी जो है ना युग रिवाइव हो जाएगा, तो हमारी टीम जो वापस से मजबूत हो जाएगी। तो चलो फटाफट से डालते हैं इस रिवाइव बुक का नाम चेंज कर करते युग प्लेस। यस एंटर दबाते हैं, एंटर नहीं सॉरी बुक लेते हैं एंड यहां पे लगाते हैं युग प्लेस एंड राइट क्लिक। फाइनली गाइस युग प्लेस हैज बीन रिवाइव, लेट्स गो। चलो 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 युग को बुलाता हूं मैं वीसी जल्दी से फटाफट से। 12 seconds later. अरे अरे आ जाओ जाओ जल्दी आ जाओ सर्वर, मैंने तुम्हें रिवाइव कर दिया, जल्दी जल्दी जल्दी। यस 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 पक्का हो चुका है ना? मैं अरे भाई हो चुका है, मैंने रिवाइव बुक कर दिया तेरे को रिवाइव बुक से। ओके गाइस टाइम फॉर द मोमेंट, लेट्स सी कि मैं जॉइन कर पाता हूं कि नहीं लॉयल एसएमपी के अंदर। एंड ये मेरे दबाया जॉइन सर्वर पे बटन, लेट्स गो लेट्स गो। तू जॉइन हो चुका है? देखो आप यहां पे चापे में मरा था, यहां पे आप ओ यहां पे, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके युग तो हमें अपना मकसद नहीं भूलना है, हमें सबका बदला लेना है। ठीक है एक एक करके चैट गैंग की चड्डी उतार। यस 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 चलो फिर। और हाँ ये अपना शील्ड लो, ये अपना शील्ड नहीं भूलना, ये लो ये अपना शील्ड लो। और ये सारा सामान तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएगा मेरा, जो भी ले लेना। और यस मकसद नहीं भूलना है, अपना काम पे फोकस करो। चलो मैं भी निकलता हूँ जल्दी। थैंक यू सान भाई, आपके 4 हार्ट मेरे पे उधारी पे, फ्यूचर में जरूर। अरे अरे कोई नहीं चल 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 कर लेंगे उसका, मैनेज कर लेंगे। चलो सो गाइस फाइनली युग जो है वो रिवाइव हो चुका है और सर्वर में अभी कोई भी नहीं है। और युग को मैंने कह दिया सर्वर लिफ्ट करने, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि युग जो है वो रिवाइव हो चुका है, ताकि सबको लगे बुल्स गैंग जो है हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और गाइस युग का मुझे यूज इन फ्यूचर आने वाला है ट्रैप में, इसलिए मैं उसे अभी ऑनलाइन आने नहीं कह रहा हूं। सो गाइस फाइनली हम अपना जो ट्रैप है वो बना सकते हैं, तो मैं इस सर्वर के दो सबसे डेडलीस्ट प्लेयर कॉपी और गैम्बिट को करने वाला हूं ट्रैप, क्योंकि वो चैट गैंग के दो इंपॉर्टेंट प्लेयर है और हमारे गैंग को भी उन्हीं नहीं धोखा
धोखा दिया है। सो जो ट्रैप है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूँ। सो गाइस उन दोनों को ट्रैप में फंसाने के लिए मुझे चाहिए एक जंगल टेम्पल। तो फॉरेस्ट के अंदर मुझे एक जल्दी से एक जंगल टेम्पल ढूंढना होगा ताकि मैं अपना वहां पे ट्रैप बना सकूं। और मैं बहुत ही ओपी सा एक कहानी बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं गेम बीट और कॉपी को किसी तरीके से तो फंसाने वाला हूं। उन्हें ये बताने वाला हूं कि मैंने बुल्स गैंग जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि बुल्स गैंग जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। तो मैं तुम्हारा अंदर अंदर हेल्प करूंगा, तुम मुझे अपने गैंग में ले लो और उसी बहाने मैं उसे उस ट्रैप तक पहुंचाऊंगा। तो चलो फटाफट से मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये काम कैसे करेगा। सो गाइस क्योंकि जो मेरा ट्रैप है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, जैसे कि रेडस्टोन, पिस्टन और बहुत सारे रिपीटर और बहुत सारे यहां पे मेरे को टीएनटी चाहिए। सो चलो फटाफट से कर लेते हैं सारा सामान कलेक्ट एंड देन तुम लोगों से मिलता हूं मैं डायरेक्टली फॉरेस्ट टेंपल पे। सो गाइस फिलहाल के लिए मैं आया था स्लाइम के लिए इस स्वैम्प में, और गाइस तुम यकीन नहीं करोगे मुझे क्या मिला है। तो गाइस यहां पर मुझे मिला एक स्लाइम फार्म, पता नहीं कोई तो बना रहा था स्लाइम फार्म, आई डोंट नो क्या किस लिए बना रहा है। सो गाइस लेकिन मुझे तो स्लाइम फार्म मिल गया, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जो तुम लाइन देख रहे हो इसी के नीचे उसने बना रखा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने सोचा था मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता, लेकिन यार यहां पे मुझे लेजिटली एक स्लाइम फार्म मिल गया। और गाइस मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ना, मैं जो भी करने जा रहा हूं मेरे को उसमें हेल्प मिल रहा है, भले मैं पूरे गैंग में अभी अकेला हूं। लेकिन यस अभी वैसे तो ओ यस उसके अंदर बहुत है, लेट्स गो सारा लूट लेते। ओ मेरे पास जगह नहीं है। सो गाइस ट्रैप बनाने के लिए मुझे बेसिक चीजें बहुत सारी चाहिए। तो यार मेरे पास स्लाइम तो अभी आ चुका है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फटाफट से जो क्लिप है इसको खत्म करते हैं एंड देन फिर बनाते हैं अपना ट्रैप। तो मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत गन पाउडर चाहिए था, तो मैं अपने पुराने वाले बेस पे आ चुका हूँ। यहाँ पे टेडी भाई ने जो ये मॉब ग्राइंडर बनाया इसी का यूज करके मैं यहाँ पे बहुत सारे गन पाउडर जो है वो लेने वाला हूँ, जिससे कि मैं अपना टीएनटी है वो आराम से बना सकूँ। ओके सो मुझे जस्ट इसको ऑन करना पड़ेगा और ये सारे रेडस्टोन जो है काम करने लग जाएंगे। अब मुझे इसके नीचे जाना है। ओके ये वर्क कर रहा है, लेट्स गो। अभी बस मुझे यहाँ से नीचे जाना है, मेरे पास वाटर बकेट नहीं है। ओके कोई नहीं, 3, 2, 1 गो। ओह शिट। सो फाइनली यहाँ पे मॉब ग्राइंडर जो वो काम कर रहा है, मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप्स भी आ चुके हैं। तो या मेरे पास अभी टीएनटी का भी काम हो चुका है, तो फाइनली अभी सब कुछ हो चुका है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं अपन जंगल की तरफ और बनाते हैं अपने लिए ट्रैप। सो गाइस बहुत देर से मैं यहाँ पे जंगल टेम्पल ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे यहाँ पे एक मिल चुका है। सो गाइस ये देखो ये वाला है, और ये जंगल टेम्पल एकदम नया, इसे किसी ने लूटा नहीं है। तो यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, बहुत दूर का क्वार्ट्स में है। तो यस मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ वो ट्रैप। तो गाइस आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि काम कैसे करेगा। बेसिकली मैं यहाँ पे सामान ला के रख लिया है, तो गाइस यहाँ हम नीचे चलते हैं बेसिकली। सो मेरा प्लान ये है कि इस तरफ तो ये लीवर रहता है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे और अपना जो ट्रैप है ना वो इस जगह पे बनाएंगे। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे मैंने एक सीक्रेट चेस्ट छुपा रखी है। वेट अ सेकंड, पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ। ठीक है एक सेकंड, हाँ ये मुझे मिल गया। सो यार यहाँ पे मैं सोचूंगा कि ये ट्रिप वायर लगा के यहाँ पे मैं लगाने वाला एक चेस्ट, और जैसे ही वो यहाँ से एंटर करेंगे ना और बूम उनका काम खत्म। तो चलो फटाफट से इसे बनाते हैं। तो हमारा जो ट्रैप है वो फाइनली बन के रेडी हो चुका है, बस इंतजार है कॉपी और गेम बीट का। 3 days later. तो गाइस अभी के लिए मैंने उन दोनों को बुला तो लिया है, सर्वन भाई वही दोनों हैं, और ये टाइम परफेक्ट है उन दोनों से बात करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बारे में पता चले, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी टीम को बिट्रे कर रहा हूं एंड ऑल। तो यस अभी उन लोगों का मैसेज तो आया नहीं है, जल्दी आओ भाई। ओके डन है, मैसेज आ चुका है स्पॉन पे, इन लोग को मैंने बुलाया है। सो अभी मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल होने वाला है, उनको किसी भी तरीके से मुझे फंसाना है। लेट्स गो, अभी उनको वीसी बुला रहा हूं मैं। इधर है यार ये लोग, दिख ही नहीं रहे। हेलो 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 सन भाई। अरे अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल? अरे बढ़िया भाई बढ़िया। हेलो सन भाई, अरे बढ़िया बढ़िया। सुनो सुनो, अभी मेरा टाइम थोड़ा कम है, ठीक है सुनो। अभी मैं नहीं चाहता कि हम तीनों के बीच में जो बात हुई किसी को पता चले, और आपको पता होगा कि हमारे गैंग का कभी क्या हाल चल रहा है बेसिकली। लाइक अभी बेकार गैंग है भाई। भाई सुनो, देखो अभी मैं आपको कुछ शॉकिंग बात बताने वाला हूँ। सुनो, आप लोगों ने हमारे साथ लड़ाई में बहुत कुछ किया था, ठीक है, और अभी मैं ये लास्ट बार हमारे साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ जो आप लोग को शॉक कर सकता है। बट देखो, सेनपाई ने हमको धोखा दिया, युग बैन हो चुका है, टेडी भाई इनएक्टिव है, तो अभी सर्वर में मैं सबसे अनसेफ प्लेयर हूं। So, अभी के लिए देखो मेरे गैंग में ना सारे बंदे जो हैं वो ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। जो युग है उसको सेनपाई ने बैन कर दिया, सेनपाई खुद बिट्रे कर चुका है हमें, और टेडी भाई जो है वो इनएक्टिव चल रहे हैं। तो सर्वर में भी सबसे अनसेफ बंदा मैं हूं।
ठीक है तो अभी क्या है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, मेरे को कभी भी कोई अटैक कर सकता है, मेरा पोशन शॉप है, मेरे पास बहुत सारे स्टफ है, कभी भी जा सकता है, मुझे इस चीज का डर है। और इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं बुल्स गैंग छोड़ रहा हूँ, और ये बात मैं आप दोनों से इसलिए करने आया हूँ क्योंकि आप लोग के लिए मैं एक डील लेके आया हूँ। बोलो क्या है? ओके, सो डील ये है कि मेरे पास ये एक बुक है, इधर आओ कॉपी भाई और गेमबिट भाई। तो लग रहा है कि हमारा टीम ज्वाइन करना चाहता है आसान। अभी अभी बुक के बारे में सुन लो, फिर बात डिसाइड कर लेना आप लोग कि मैं सच बोल रहा है झूठ। सुनो, तो आपको पता होगा बुल्स गैंग के स्टार्टिंग में दो ही बंदे थे, मैं और टेडी भाई, राइट? और हमारी टेडी भाई के बीच जो प्लान चलता था, जो काम होता था, होता था। जब जीरो नहीं आया था तब हम लोगों ने बहुत सारा कांड किया था, आपको पता है, इलीगल चीजें बहुत कुछ हुई थी। इनफाइनाइट हर्ट्स किया था तुम लोगों ने। हमने और भी बहुत कुछ किया, तुम लोगों की वजह से बैन भी हो गए थे सारे बंदे लगभग। यस, बट यस, हम लोगों ने उस टाइम पे एक बुक के अंदर एक कॉर्ड्स लिखा के छुपा दिया था, और एक और एक सर्टेन कॉर्ड्स पे हमने कुछ चीजें छुपाई थी जो कि इलीगल थी। ये सब हमने जीरो से बचने के लिए किया था कि कभी अगर गैंग को बहुत जरूरत होगी तो हम इस सामान का यूज करेंगे। लेकिन अभी अभी फिलहाल टाइम कुछ ऐसा है कि हमारे गैंग के सारे मेंबर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। टेडी भाई खुद इनएक्टिव है, उनका पता नहीं है वो कब आएंगे, ठीक है? तो मैं ये कॉर्ड्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अगर आप मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। क्या कॉर्ड्स में? क्या है भाई कॉर्ड्स में? वो सारे स्टफ है जिससे हम जीरो से बचाते हुए अभी तक आए हैं। ये किस किस को पता है सर्वर में? ये सर्वर ये मुझे टेडी भाई को पता है बस, क्योंकि टेडी भाई चाहते थे कि ये बात किसी को ना पता चले। और इलीगल स्टफ है सर? बहुत सारा स्टफ है इसके अंदर। लेकिन चलना है क्या कॉपी भाई? देखो कॉपी भाई, विश्वास तो नहीं हो रहा भाई मेरे को, चलना है तो क्या बताओ भाई। एक बात सुनो मेरी बात, एक चीज सुनो, ये चीज मैं गैंग को बिट्रे कर रहा हूँ, सारी कहानी मैं बता रहा हूँ, इतना तो विश्वास कर ही सकते हो। देखो आप लोग दो लोग हो, मैं अकेला हूँ अभी, आप चाहो तो मुझे अभी नहीं तो कभी भी मार सकते हो, क्योंकि सर्वर में कोई और आने वाला है नहीं, युग नहीं बचाएगा मेरे को, सेनपाई ने धोखा दे रखा है, टेडी भाई सर्वर में भी आते नहीं है। तो देखो मैं आप लोगों से बस इसी वजह से आया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे को डील में साथ देते हो, मेरे को बस इतना चाहिए कि 50-50 हम ये कर लेंगे लीगल स्टफ, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए आप दोनों से। सुनो, अगर हमको कुछ होता है तो वो देख रहे हो? हाँ, दिखाओ क्या? वो वहाँ से गायब हो जाएगी। ओ भाई, भाई देखो अभी आप एक चीज बताओ, मैं बेवकूफ हूँ? अभी सर्वर में मैं अकेला हूँ, मेरे गैंग में अकेला बंदा बचा हूँ, अगर आप लोगों से मैं पंगे लूंगा तो भाई मैं कहाँ का रहूंगा? एक बात सोच के देखो भाई, सिंपल सी एक बात है, ये है कॉर्ड्स, बोलो डील डन करो, ये तो आपका फायदा है। चलो फिर ये लोग कॉर्ड्स आ जाओ मेरे साथ, ये कॉर्ड्स एक बार देख लो। क्रेजी सामान मिल गया भाई, अपनी गैंग और ऊपर पहुंच जाएंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको जाना है, आप साथ चलोगे ना? हाँ मैं भी चलूंगा ऑफकोर्स, वहाँ पे बहुत सारे चेस्ट हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये बात आपको किसी को नहीं बताओ, और हाँ अपने गैंग के मेंबर को भी नहीं बताओ, क्योंकि जीरो तक अगर खबर चली गई तो दिक्कत हो सकती है। Two very boring minutes later. Okay, so आज अरे आओ तो यार, थोड़ा दूर और है बस यार, चलाओगे वसन भाई? देखो यार हमारे जूते फट गए भाई, पैरों में छाले पड़ गए। अरे भाई थोड़ा दूर छुपाया है, थोड़ा सा है बस, आ जाओ मेरे पीछे, मेरे पीछे आ जाओ। थोड़ा होता है ये भाई, हमको तो देख ही नहीं रहे। इलीगल सामान है ना थोड़ा, इस वजह से थोड़ा पीछे छुपाया था मैंने। आ जाओ आ जाओ भाई, देख रहे हो हमने जूते उतारे, इन्हें देखा भी नहीं। अरे भाई भाई नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। सो बेसिकली हम 50-50 करेंगे, लेकिन बात मत बताना। आ जाओ गेमबिट भाई, आ जाओ अबे, ओए, ओए, ये क्या? भाई, ये क्या कर दिया आसान? ओ शिट, मेरे को भाई साहब, ओ भाई, ओ शिट, अबे यार, भाई, ओ शिट, नहीं, भाई साहब, कॉपी भाई, ओए, ओ शिट, नहीं भाई, ओ खुद गिर गया भाई। ओके भाई, मुझे उन्हें मारा। क्या हो रहा भाई? भाई भाग सकते हैं, मैं निकलता हूँ भाई। ओके okay, निकलो गोपी भाई, यार आपका एक सामान भी नहीं है इधर भाई, बच कैसे गए गेम बीट? किधर है भाई? मारो निकलो भाई, छोड़ना मत गेम बीट। गोपी भाई बैकअप किट लेके आ जाओ, मैं लोग पीछे हूं। तुम्हें कैसे पता चला वहाँ पे कुछ है?
ओ भाई ओके भाई, okay. भाई ये एसएमबी ट्रस्ट करने लायक नहीं भाई भाई, 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 भाई इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे चलता मैं निकल गया भाई मैं निकल गया रुको मैं निकल गया भाई मैं निकल गया यार कैसे यार इतना सीक्रेट रखा था मैंने कैसे पता चल गया ओके वैसे मैंने अपना बदला तो ले लिया देखो आप दोनों को डरा तो दिया एक बंदे को कॉपी गया है तुम्हारी टीम वन लॉन्ग एंग्री लाइन लेटर एक सरप्राइज दूं युग को युग रिवाइव हो चुका है वो सर्वर में है यस और टेडी भाई को मैंने बोला था इनएक्टिव है वो भी एक्टिव आ चुके भाई बुल्स गैंग नेवर डाई ब्रो अब वो रिवाइव हो चुके पूरी गैंग कुछ दिनों में बहुत कुछ करने वाली है हमारी गैंग रेडी रहना भाई भाई अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग मैं तो भाई निकल रहा हूँ गेम बीट बच के रहना कुछ दिन में अभी के लिए तो सर्वर में युग आ चुका है उस समय वो नहीं आ पाया था तो आई गेस वो यहीं कहीं तो है रुको मैं उसको वीसी में बुलाता हूँ वीसी आओ ओके हेलो 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 यू कहाँ पर हो ये बस नजर में घूम रहा हूँ क्यों क्या हुआ अरे आओ एक चीज बतानी बहुत मस्त चीज है जल्दी आओ अर्जेंट है क्या अरे आओ तो मस्त बात बता रहा हूँ अर्जेंट है चलो मतलब... आया कहाँ पे हो मैं तो स्पॉन के पोर्टल के पास था हाँ मैं भी स्पॉन पे ही हूँ आ जाओ किधर हो अच्छा पोर्टल पे हो लेट्स गो यहीं पे हो तुम नाइस नाइस आ जाओ मैं वर्ल्ड में गिर रहा हूँ अरे भाई चलो आ गया ओ ये मैं कहाँ आ गया शिट कहाँ चले गए तुम मैं अच्छा मैं आपकी पोशन शॉप के नीचे आ गया लॉल ओके युग आ गए ओ अच्छा तुम यहाँ पर ओके युग तो सुनो अभी एक तुमको एक खुशखबरी देनी अपनी गैंग से रिलेटेड तो मैंने चैट गैंग के दो मेंबर गेमबिट और कॉपी को है ना एक ट्रैप में फंसाया था और कॉपी को मैंने कंप्लीटली मार दिया था उस ट्रैप से क्या बात कर रहे हो यस 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 और गेमबिट भी ऑलमोस्ट डेड ही था उस वक्त अगर तुम नहीं आ पाए थे वरना आते तो बड़ा मस्त हो जाता बट कोई नहीं इन फ्यूचर हम देख लेंगे बट यस हमने थोड़ा बिजी था कोई बात नहीं कोई बात क्योंकि वो लोग एक टाइम पे नहीं आ रहे थे ना तो दिक्कत हो रही थी चलो कोई नहीं अभी तो हमने उनको डरा तो दिया है देखो अभी वो लोग फुल डरे हुए हैं तो तेरा तो कुछ आने वाला है ना नेक्स्ट कुछ तू भी बवाल करने वाला है तो ये मैसिव करने वाला हूँ अभी यस यस भाई कुछ भी करके ना उनकी टीम को पूरी वीक बनानी है तो यार और एक और चीज मैंने तेरे को जो हर्ट दिए थे तूने ग्राइंड की अरे बिल्कुल भाई सब रेडी है अरे लाओ लाओ यार मैं वही हर्ट नहीं थे ना वरना मैं मार देता उनको पीवीपी में गेम बीट को बट वही हर्ट की वजह से मैं उससे लड़ा नहीं क्योंकि मेरे पास सात थे उसके बाद फुल हर्ट था लो भाई एक एक्स्ट्रा दे दिया आपको अरे थैंक यू अरे अच्छा नया कुछ आया क्या खाने का ओके तो हर्ट खाना पड़ेगा लेट्स गो नया अपडेट आ गया भाई नाइस 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 ओके तो फिर मैं चलता ठीक है अरे ओके ओके यार थैंक यू यार इतने हर्ट्स देने के लिए चलो अभी तो अपन पीपी में भी लड़ सकते हैं उनसे क्योंकि हर्ट वापस आ चुका है चलो फिर मैं तुमसे मिलता हूँ या चलो बाय बाय फाइनली अपना जो बुल्स गैंग वापस ट्रैक पे आ चुका है तो आई होप तुम्हें आज का ये वीडियो पसंद आया अगर पसंद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय